हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह, आप कर रहे हैं दसवीं क्लास की पंजाबी की जिहड़ी बुक का तीजा पार्ट कहानी सन कहानियाँ। कहानियों के अपना पंजवा पार्ट रहिंदा है, लास्ट पार्ट है, इसका नाम है खून। तो आप इस तो पहला निबंध वाला कर लिया सी, निबंध तो बाद आप कहानी वाले पंज पाठ अज पूरे हो जाएंगे, फिर आप नवा टॉपिक करांगे। तो अज अपना जिहड़ा लास्ट पार्ट है खून, जिसके लेखक हैं गुरचरण सिंह भुल्लर। आपां पहले इस पाठ के सार की गल करते हाँ। इस पाठ दे विच जिहड़ा पात्र है, एक तो है करतारा, एक है जगर, एक है कैला, ते एक है दीपा, एक है कुलवंतो। कुलवंत ये इस दे पाठ के पात्र हैं। करतारा ते जगर, करतारा ते जगर सरीके चों भाईचारे चों भरा लगते हैं, करतारा ते जगर। पर करतारा जगर तो खार खांदा है। करतारे दी जगर दी जिहड़ी 15 कु कुमान, जिहड़ी जगर दी 15 कु कुमान जिहड़ी जमीन है, वह तो अख है जिहड़ी करतारे दी जगर ते। एक दिन जदों पटवारी पिंड विच आउंदा है, तां जिहड़ी कैले ते इन्हां दीपे दी जमीन है वह गहने पई हुंदी है, तां जगर उहदा मुल वधा के इन्हां दी जमीन खरीद लैंदा है, मुल लै लैंदा है, मुल वधा के। इस गल का इन्ना ते गुस्सा आता है जगर ते, भी जगर ने साड़ी जमीन खरीद ली, वह यदा बदला लैन वास्ते जगर दी नाल लड़ाई करन उहदे सट मारन की स्कीम बनाउंदे आ। तो एक दिन शाम नूं दीपा ते कैला दोवें गंडासा लैके राह 'च खड़ जाते हैं, उधरों जगर आता है। तो जगर दे वह गंडासा तो मारना चाहते सन लत ते, पर वज जाता है वक्खी ते, वक्खी ते गंडासा वजन कारण जगर दी जिहड़ी मौत है वह थां ते हो जाती है। उस थां ते वह थां ते अपनी मौत उहदे प्राण छड्ड दिंदा, भाव उहदी मौत हो जाती है जदों ही ज्यों ही वक्खी दे विच गंडासा वजदा है। इह सारी घटना दा करतारे नूं पता सी। करतारे नूं इस गल दा पता सी कि घटना इस तरह वापरेगी। तो जिहड़ी कुलवंतो है जगर दी घरवाली है, जगर दी घरवाली पत्नी है, इहनूं भी शक सी कि जगर दे कतल दे विच जिहड़ा करतारे दा हथ हो सकता है, भी पहलां इह जगर दे कतल विच इहदा करतारे दा हथ होना चाहीदा है। क्यों होना चाहीदा है? एक तो जिहड़ी जगर दी उहनां दे 15 किल्लियां ते अख सी, 15 कुमान ते अख सी, ते दूजी सी कुलवंतो ते। वह चाहुंदा सी कि जेकर जगर मर जावे तो नले तो उहनां दी जमीन उहनां नूं मिल जूगी, करतारे नूं मिल जूगी, ते नले जिहड़ी कुलवंतो है उसनूं आपदे चुल्हे ते बिठा लवेगा, उसनू आपदे चुल्हे ते बिठा लवेगा, उहदा मुंडे नूं भी आप पालेगा, वह आने वाले समय च उहदा बैरी नहीं बनूगा। क्योंकि उहनूं इंज लगदा सी कि जेकर उसने इस तरह ना कीता तां करतारे दा दुश्मन बन जूगा जगर दा जो मुंडा है, जो उहदा पुत्र है। तां उह इह सोचा सोचदा है कि जदों हुण करतारे जगर दा कतल हो गया तां कुलवंतो उहनूं हुण आपणे घरे रख लेगा, अपने चुल्हे ते रख लेगा। पर इस तरह नहीं हुंदा। कुछ समय बाद वह कुलवंतो है अपने पेके पिंड चली जाती है, अपने पेके सोनपुरे। उसका पेका पिंड है, पिंड का नाम है सोनपुरा, या सोनपुरे या सोनपुरा। तो पेके पिंड सोनपुरे चली जाती है जिहड़ी कुलवंतो है अपने पेके पिंड सोनपुरे चली जाती है। तो अपने प्यो को जाके रहन लग पैंदी है। फिर जदों कदे महीनों बाद 5-6 महीनों बाद गेड़ा मार दी जिहड़ी उन्हां दी जमीन बनदी उहदा हिस्सा ठेका लैके, तो अपने बाप दे नाल वापस चली जाती सी।
पर करतारे नू ए गल जमा चंगी नहीं सी लगती। करतारे नू ए गल चुभदी सी कि ए कुलवंतो ठेका लैण क्यों आउंदी है, जिहड़ी इन्हां दी 15 किले जमीन है, 15 कुमान जमीन है, वह करतारे नू मिले। हुण करतारा घरे बैठा ये व्यौंता बनाउंदा है कि भी जगर तां उहदे राह चों पासे हो गया, हुण बचिया राह दा रोड़ा उहदा मुंडा, जेकर उसनू भी वह खत्म कर देवे तां 15 कुमान जिहड़ी 15 किले जमीन है इह सारी करतारे नू मिल जाऊगी। हुण उह जगर दे मुंडे दा कतल करन दी व्यौंत बनाउंदा है जो करतारा है। व्यौंत बनाउंदा होया वह अपनी तलवार नू धार लाउंदा है, भाव तलवार तिखी करता है, तो सोचता है कि दिने जावां दिन वाली बस ते जावां या शाम नू जावां तां जो वो उत्थे उहनू कोई पहचान ना सकन, क्योंकि वह विआह तो बाद कदे भी जगर दे सोहरे पिंड नहीं सी गिया, उसनू कोई नहीं सी जानदा कि कौन है, तो वह सोचता है मैनू उत्थे कोई मैनू जानदा पहचानदा तां है नहीं, तो मैं उत्थे जा के ही जगर दे मुंडे दा कतल कर आवांगा, क्योंकि जगर दा मुंडा हुण उत्थे तां आउणा ही नहीं उहदे कोले। तां उह व्यौंत बणाउंदा है ते बस च चढ़ जांदा है, व्यौंत बणाउंदा होया सोहणपुरे बस च बहि जांदा है। उह सारे राह इही गल्लां सोचदा आउंदा है कि जगर दे मुंडे दा कतल किस तरह करे, किस तरह करे जगर दे मुंडे दा कतल। तां उह सोचां सोचदा होया आउंदा है, तां इन्ने च सोहणपुरा पिंड आ जाता है। सोहणपुरे पिंड पहुँच के पहला वो खेत न्याई दे विच एक खेतां च खूह बनिया हुंदा है, खूह ते जाके बह जाता है, तो उस दे उत्ते ही वो अपनी जिहड़ी तलवार है वह रख दिंदा है। तलवार रख के सोचां दे विच किरिया व्यौंता बनाउंदा होया भी जिहड़े जगर दे मुंडे दा कतल किस तरह किया जाए, उन्हां सोचां च खुभिया बैठा सी। इन्हें नू पैड़ियां वेदे राह डंडी ते एक मुंडा आउंदा देखिया, तो उन्हें पुछया काका तैनू डर नहीं लगदा, तू कल्ला इस वेले तुरिया आउणा है? वो कहिंदा मैनू काहदा डर, मैं नहीं डरदा, मेरा मालवे दा जट जिहड़ा चाचा करतारा है जिहड़ा मैनू हथ लाऊ उहदे डकरे डकरे कर दू। जदों करतारा ये गल सुनदा है, जदों करतारा ये गल सुनदा है तो उहदा धरती आसमान घूमण लग जांदे चार छुपेरे, वह हैरान हुंदा है। वह उहदे जिहड़े मन दे विच पहला सोच सी उस बच्चे दा कतल करन दी, वह सोचदा सी कि वह बच्चा उहदा दुश्मन बन गया है, पर वह इस तरह नहीं। जदों उहदे मूँह आ गल सुनदा है तो वह हैरान हो जाता है, उहदी अखां दे विचों हंझू डिगण लग पैंदे है, तो उहनूं गोदी चुक के पिंड वल नूं तुर पैंदा है, ते उहदी जिहड़ी तलवार है वह उत्थे ही दे उत्थे धरी रह जाती है। तो इस तरह दा वह अपने वह सोहणपुरे पिंड विच चला जाता है, तो उस बच्चे का वह कतल नहीं करता। इस अपना जिहड़ा पाठ पंजवां पाठ कहानी संसार दा खून, जिहदे कि कहानीकार सन गुरचरण सिंह भुल्लर। तो हुण करांगे आपां इहदे प्रश्न उत्तर, करतारे दे चरित्र उपर नोट लिखना है वी करतारे दा चरित्र किहो जिहा सी। हुण करतारे दा चरित्र किहो जिहा सी, करतारा एक लालची किस्म दा इंसान सी, तां करतारे दे चरित्र उपर नोट लिखना है। पहला प्रश्न, करतारे दे चरित्र उपर नोट लिखो भी करतारे का सुभाव किहो जिहा सी, उहदा चरित्र किहो जिहा सी। तां करतारा एक लालची किस्म का इंसान है, वह लालच दे विच अपने भरा सरीके दे भरा का कतल करना चाहुंदा है। जदों उहदे भरा का कतल हो जाता है तो जमीन दे चक्कर दे विच अपने भतीजे का भी कतल करना चाहुंदा है करतारा, तो वह जमीन खातर कतल करन लई भी उसके पिंड उहदे जगर दे सोहरे पिंड पहुँच जाता है करतारा। करतारे का जिहड़ा जमीन का मालिक बनना चाहुंदा है उहदे जमीन दे लालच आ जाता है, एक लालची किस्म का उहदा सुभाव बन जाता है। जमीन नूं देख के 15 कुमान जमीन देख के उहदे मन विच लालच आ जाता है, उस लालच दे वस आ के वह अपने भतीजे तक का कतल करन नूं उहदे पिंड पहुँच जाता है। तो उहदा सुभाव कहिजा है, लालची किस्म का सुभाव है करतारे का। दूजा प्रश्न है,
जग्गर दा कतल किसने कीता सी ते क्यों। हुण जग्गर दा कतल किसने कीता सी ते क्यों। जग्गर दा कतल किसने कीता सी ते क्यों। जग्गर दा कतल कैले ते दीपे ने कीता सी क्यों, क्योंकि उन्हां दी जमीन जग्गर ने पैसे वधा के वध मुल ला के खरीद लई सी। इस गल दा उन्हां दे विच गुस्सा सी, इस गल कारण उन्होंने वह कतल हो गया। मारन तो वे सट गए सी, पर वह गंडासा वो वखी च वजन कारण जग्गर का की हो जाता है, कतल हो जाता है। तो जग्गर का कतल किसने किया, कैले तो दीपे ने किया, क्योंकि जग्गर ने उन्हें जमीन गहने पई सौदा कर लिया पैसे वधा के। तो यह दूजा प्रश्न। तीजा है, सोहनपुर जा रहे करतारे सोहनपुर जा रहे करतारे सोहनपुर जा रहे करतारे दे मन विच केड़े केड़े ख्याल आ रहे सन। करतारे दे मन विच केड़े केड़े ख्याल आ रहे सन। सोहनपुरे जा रहे करतारे दे मन विच की ख्याल आ रहे सन। सोहनपुरे जा रहे करतारे दे मन विच ख्याल आ रहे सन कि ओ जग्गर दे पुत्तर दा कतल करन जा रहा सी। वो सोच रहा सी कि मैं उसका कतल कर देवां। कतल करके वो उन्हें जमीन का आप मालिक बनना चाहता सी। वो कतल दियाँ व्यौंता बनाता होया जग्गर दे पुत्तर जो जग्गर नूं दी जड़ कट के पाप दी जिन्नी भी पच्ची कुमाग का मालिक बन जाता। 15 कुमा जिहड़ी सीगी जग्गर कोल सी ते 10 कुमा उहदे कोल सी। वह 25 कुमा का मालिक बन जाना सी। ये सोचा सोचता होया वह सोहनपुरे वल जा रहा है करतारा। तो यह अपना पाठ जिहड़ा 10वीं क्लास का कहानियां का 5वां पाठ खून जिसका आपां सार समझिया। तो ये सन ये 3 प्रश्न जो कि पूरे हो गए हैं। बाकी प्रश्न जिहड़ा अगले वीडियो दे विच आपां नवा टॉपिक लेके आवांगे उन्ने चिर विच तुसीं इस नूं ध्यान नाल सुनना समझना ते नोट करो। धन्यवाद।